हाँ माता जी आग धरे तो मुकर लाल की साड़ी पर है जमा जाए। आग पे कैसे धरते हैं? आग पे ऊपर चट जोर के बीच में ऊपर फोड़ के नहा के ऊपर मटे तेल डाल के बाल दिए। जब आग हो जाए तो धर कुछ खुले में दो ना ही हल्दी तेल तो के हल्दी में धुआं 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 तो जो हल्दी मिल रहा था। अच्छा धुआं निकल जाता है। हाँ तो कब रखे धुआं? नहीं सवेरे सांझ सवेरे रखे शाम को रख दे शाम को रखे सवेरे जमा हुए। तो दूध खौलेगा तो बहेगा नहीं? नहीं 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 बहेगा नहीं। काहे? कले कले साड़ी पड़ेगा कले कले ऊपर दिखे ना। अच्छा हल्की हल्की आँच रहे फिर तब ओकर निचार के जमा दे जमा के बाद तब जाए बिहान में माठा कब सवेरे निकाले? हाँ तब ओकर बिहान में सवेरे निकाले मतलब जैसे शाम को दूध रखे रात भर गर्म हो सवेरे उसको निकाल ले। हाँ निकाल ले अभी नहीं फिर अब कैसे जमाए फिर? तो वो कर जमा दे दूसरे बर्तन में। हाँ जमा दे जौन सजवक रहा दूध जौन भी नहीं दूध रहा थे वो तब दोनों मिक्स कर जाते भी नहीं वाला दूध वो मिक्स कर जब दिख जाते। अच्छा मिक्स कर दे मतलब शाम वाला दूध फिर दो दिन का दूध मिक्स कही है शाम वाला सवेरे वाला सवेरे वाला ताजा दूध रहे ताजा दूध रहे ताकि दही जाए ना। अच्छा वो जब गर्म हुई है तब दोनों मिक्स हुई हैं दोनों मिक्स हुई हैं। हाँ दोनों दही बनी है। अच्छा दही बने के तब माठा मार जाए दही रोज माठा मार सक दही बने दही काल ला खाए में देख। अच्छा तरे से ऊपर साड़ी चाट दे। हाँ तब दही काल ला बस एक बार माठा मार ले। हाँ तो माठा मार बस हमारे तब वही रही है कि खा ले। अच्छा लाइटी वाला हाँ हाँ मस्का फिर कितने दिन में मक्खन जोते जैसे ढेर खो जाए एक हफ्ता ना आए तीसरे तीन चार तीसरे दिन वो खौला जाए। अच्छा खौला के जब वो का एकदम घी निशे गाजर जज जाए तो छान जाए। अच्छा दे बढ़िया घी हो जाए।